और आंकड़ों के आधार पर बात हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी में मंदिर की इकोनॉमी की हिस्सेदारी 2% से ज्यादा है और इसकी वजह है भारतीयों का धर्म और आस्था से जुड़ा मामलों में दिल खोल कर खर्च करना। एनएसएसओ का डेटा कहता है क्या एक भारतीय की धार्मिक यात्रा बिजनेस ट्रिप से 4 गुना ज्यादा होती है। इसी तरह शहर से एक रात बाहर रहने के मामले में एजुकेशन के मुकाबले धार्मिक कारण जो है वो 7.5 गुना ज्यादा है। खर्च के पैमाने पर अगर आप देखें तो एक व्यक्ति धार्मिक यात्रा पर प्रतिदिन 2,717 रुपए खर्च करता है, लेकिन यही आदमी सामाजिक यात्रा अगर करे तो खर्च 1,066 रुपए के आसपास प्रतिदिन होता है। एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाली यात्रा पर भारतीय प्रतिदिन 2,286 रुपए खर्च करता है। इस खर्च को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए तो धार्मिक यात्रा पर देश में हर दिन 1,316 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च होते हैं, यानी धार्मिक यात्राओं पर सालाना खर्च लगभग 4,74,000 करोड़ रुपए होता है। इसी तरह धार्मिक यात्राओं की जीडीपी में हिस्सा 2.32% हो जाता है। एनएसएसओ का ये आंकड़ा ये बता रहा है कि आस्था के लिए भारतीय जम कर खर्चा करते हैं। सरकार खर्च के इसी पैटर्न को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है, ऐसा दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका जैसा देश आस्था के देश की इकोनॉमिक्स में बड़ी हिस्सेदारी जो है वो दिखाता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में धार्मिक कारण से होने वाली कमाई की हिस्सेदारी जो है वो 91,00,000 करोड़ की है रुपयों में, जिसमें धार्मिक जलसे का सालाना कारोबार 32,00,000 करोड़ का है। धार्मिक संस्थाओं से होने वाले बिजनेस 23,00,000 करोड़ के आसपास। धर्म से जुड़े व्यवसाय का कारोबार 33,00,000 रुपए के आसपास। और इसीलिए ये जो अर्थविज्ञान है धार्मिक और आस्था के प्रति, इसका आज की तारीख में विश्लेषण बहुत जरूरी था। ABP News आपको रखे आगे।